अरे क्या हो रहा है? देखो ना, हमको तो जोर से घुमाई से घुमा गया हमारा। हमारी बिटिया रानी है। अरे हम तुमको कितना कहें, 8 साल की हो गई है, स्कूल में दाखिला करा दो। हाँ हाँ करा देंगे ना। क्या करवा देंगे, गए थे आप पूछने के लिए। तुमको कितना बार बताए कि पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, और तुमको तो पता है कि हमारे पास में नहीं। अब वैसे भी बिटिया है, पढ़ लिख के क्या कर लेगी। ये बहाना हम बहुत बार सुन चुके हैं, अब और नहीं। हमारी लड़की स्कूल जाएगी और पढ़ेगी, और पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, है ना? और देखो, तुम पैसा ऐसा की चिंता मत करो, हम और थोड़ा मेहनत कर लेंगे, तुम बस इसका दाखिला करा दो, बनेगी ना डॉक्टर? अभी बनेगी डॉक्टर? हाँ। और तुम डॉक्टर आएंगी अम्मा, ठीक है ना? आ गए सब, किताब विताब सब धर लिया ना? अच्छा, अब क्या हो गया? ये रो कहाँ रही हो? अब जा रही ना स्कूल। 4 घंटा स्कूल में रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? हमको तो लगा खुशी का आंसू, और तुम तो सच्ची है दुख में रो रहे। अरे खाना ना बनाओ, आ जाएगा, लाओ हमको दे। ठीक है माए, तुम उदास मत हो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगे? जा, मन लगा के पढ़ना, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, और डब्बा में पराठा रख के खा लेना। अम्मा से डांटा कर लूंगा। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचका के तोन फुलाए, तोन फुला के कदम बढ़ाए। लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने। लाला जी को खाली केले खिलाती रहोगी का? ज्यादा केला खाएंगे ना तो उनका तोंद फट जाएगा। अरे आगे भी तो कुछ पढ़ो। का करे काका, आगे नहीं बढ़ सकते, स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, कल ना जाके मास्टर जी से पूछ लेना कि मास्टर जी लाला जी को खाली केले खिलाएंगे कि आगे कुछ पढ़ाएंगे। लाला जी ने केला खाया। डॉक्टर बोले दिल का दौरा पड़ा था, रास्ते में दम तोड़ दिए, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो गई। बापू, माई सोए काहे रही है? माई उठो ना, माई माई देख मैं सब पूछ के आ गई। माई उठ ना, माई 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 सो नहीं रही। माई हम लोग को छोड़ के बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। माई उठ, माई माई आसमान में चाहिए। आठ साल की मासूम जामुन जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी शरारतों से पूरे घर को सर पर उठाए रहती थी, जिसके माँ बाप के पास पैसा भले ही कम था लेकिन प्यार बहुत था अपनी बेटी पर निछावर करने के लिए। तो फिर क्यों और कैसे जामुन आज इस कमरे में, इस हाल में बंद है? क्या हुआ था जामुन के साथ? देख मुरारी, ये लोग बहुत भले लोग हैं, इसलिए बार बार बोले हैं तुमको, क्या है कि तुम्हारी बिटिया की जिंदगी बन जाएगी, और क्या चाहिए तुमको। और देखो, उन लोग का छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा बेटा है, खाली बेटी की चाहत है, इसके लिए तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहते हैं। क्या है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सुन, भाभी भी तो यही चाहती थी ना कि जमुनिया पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। हम सोच रहे थे जमुनिया हुआ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। कहाँ नहीं रह पाएगी भाई, हम जानते हैं इनको, इनकी जो पुश्तैनी जमीन है उसका सौदा हम ही कराए थे। इनका शहर में बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, बहुत प्यार से रखेंगे हमारे बिटिया को। वो लोग वहाँ खड़े हैं, चल तुझे मिलवा देते हैं। जी, मुरारी। नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका?
जामुन। जामुन बड़ा प्यारा नाम है। हाँ तो जी अशोक जी हमें बता रहे थे आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, अगर आप माइंड ना करें तो हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे। ये मेरी वाइफ है, शहर में टीचर है। आप अपनी बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे घर पे इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ आपकी बच्ची का भी मन लगा रहेगा और इसे भी अपनी बड़ी दीदी मिल जाएगी। प्लीज बुरा मत मानिए, ये आप रख लो अपनी खुशी से। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं सर, रख लो भाई। नहीं नहीं सर, इसका हमको कोनो जरूरत नहीं। हमारा बिटिया का भविष्य बन जाए, इससे बढ़कर हमको क्या बात होगा। बट प्लीज रख लो, हम दे देंगे। माई देखो, बाबा ने बोला था हमें, माई ऊपर चली गई है। देखो हम भी कितना ऊपर आ गए, लेकिन तुम हमें दिखती नहीं हो, कहाँ चली गई हो? पता है माई, हम अंग्रेजी स्कूल में चले गए, हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे। जामुन 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 उठो, कब तक सोगी? उठो उठो जल्दी, बहुत देर हो गई ना काकी स्कूल जाने के लिए। काकी नहीं, तुम मुझे आंटी बुलाओ। और स्कूल जाने में भी बहुत टाइम है, तुम्हारा एडमिशन कराना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अभी तुम उठ, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। आओ 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 मेरे साथ। हाँ 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 उठो उठो उठो, आओ मेरे साथ। ये जो है ना, ये फ्रिज है, इसमें खाने पीने की चीजें खराब नहीं होती। इसे पोछा कहते हैं। माई हमें लीपने दो ना। जाओ हटो, हमें काम करने दो। माई हमें भी लीपने दो। जिद नहीं करते, हट जाओ, हटो हमको लीपने। माई हमें भी लीपने दो ना। तुम जाओ जाके खेलो, बोला ना एक बार, जाओ काम खत्म करने दो। हमें अरे क्या हो गया? हाँ है? अरे हर बात पे जिद करती है, लीपने को बोल रही है। चुपा आओ आओ लीपो। समझ गई? अभी लीप दे। हाँ करो। वो कोना है ना, वहाँ से शुरू करो, फिर ये पूरा कमरा करके बाकी के जो तीन कमरे हैं उनको भी साफ करना, और किचन को सबसे लास्ट में साफ करना। बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ तो पहली बार नहीं जा रहे हो, इट्स योर जॉब, पहले भी जा चुके हो। तो क्या करूँ लीना, जॉब छोड़ दूँ? हाँ ये केविन को खिला दो जरा। अभी एसी खराब है तो वो भी तुम्हारे आने के बाद खरीदेंगे। वाह खरीदेंगे यार, हर चीज तुम्हें खरीदनी क्यों है? ठीक भी करा सकते हैं राइट? प्लीज अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। इट्स नॉट अबाउट मी, एवरीथिंग्स ऑलवेज अबाउट यू। तुम मेरे अकेले के लिए एसी नहीं ले रहे हो। आई मीन तुम्हारी तरह मैंने केविन को एक एक्सक्यूज नहीं बनाया है यार, कम ऑन। केविन क्या ये, अभी तक तुम्हें बच्चे को खाना खिलाना नहीं आया ठीक से? खाने को बोलो तो 10-10 लोगों का एक साथ खा जाती हो तुम। दो हटो अभी यहां से। अरे खाते खाते पढ़ लो, उसमें कहा है आपका, तुम एक के दिन में पढ़ के डॉक्टर बन जाओगी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी अपराध खुलेआम हो रहा है और कई मासूम जिंदगियां इसका शिकार बन रही है। एक छोटी मासूम बच्ची जिसे खुद देखभाल की जरूरत थी, उसके नन्हे कंधों पर एक दूसरे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थोप दी गई। जामुन डॉक्टर बनना चाहती थी, पर बीतते समय के साथ उसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी, और दम तोड़ रहा था उसका बचपन। बचपन की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और हालात
बद से बदतर हो गए थे। जामुन पानी देना एक ग्लास। जामुन कहाँ चली गई है लड़की? जामुन पानी दो। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या कर रही थी? ये कहाँ से लाई है पानी? पूछा ले रही थी। क्या? जी? तुमने मुझे पोछे वाले हाथ से पानी पिलाया? किसी ने तुम्हें इतनी अकल नहीं सिखाई कि हाथ साफ करके पानी पिलाते हैं? ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? कार कहीं की? हाँ? अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो इसे, साफ करो, बच्चे आने वाले हैं। करो जल्दी से। हेलो आंटी। हेलो बेटा। ये देखा माई, हम का लिखे? का लिखियो? ये माँ है। ये माँ लिखियो? बहुत सुंदर। देखो ये, देखो माँ, ई अ है। आ अ। आ पहले अ बाद में आ। पहले अ बाद में आ। इसीलिए तो कह रहे हैं तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, हम तो चूल्हा चौका में रह गए। जामुन खड़े खड़े सो जाती हूँ क्या जामुन बेटा? हाँ, कब से जामुन जामुन बोल रही हूँ। ये दो मुझे। बच्चों मैं किसी काम से जरा बाहर जा रही हूँ, सब चुपचाप अपना होमवर्क करेंगे। इधर मेरे जाने के बाद आराम मत करने बैठ जाना, ध्यान रखना कोई शैतानी नहीं करे। किसी ने भी शैतानी की तो सजा मैं तुम्हें दूंगी, समझ गई ना? जाओ आप, दरवाजा बंद करके जाना। अरे नहीं, अरे मत करो। फोन। साजी 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 तुम तो रुक जाओ। फोन कैसे भूल गई मैं अपना? अरे आंटी गुस्सा होंगी और केवल भैया भी जग जाएगा। अरे आंटी डांटेंगी, मत करो। रुको, मत करो। वेरी गुड, सब अपना काम कर रहे हैं चुपचाप। तुझे क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है? ये क्या, तुम यहाँ पे बैठ के आराम कर रही हो? काम कौन करेगा आंटी?
तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, दिखा। जरा सी बॉडी गर्म है बस, और नाटक तुम ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कितना बीमार हो। चलो उठो उठो, अब जल्दी से ये सब खत्म करो। केविन के लिए क्रीम बिस्किट भी लाने हैं, खत्म हो गए हैं। माय माता बहुत दुख रहा है। बुखार बहुत है ना बेटा, कितना मना किए थे धूप में मत जाओ मत जाओ, सुनती कहाँ हो तुम? एक तो हमारी फूल जैसी सुंदर बेटी और सब नजर लगा देते हैं, हैं? आपका बिस्कुट ये खाता है केविन, वापिस करके आओ। और अंकल को बोलना कि जो बिस्किट केविन खाता है वो चाहिए, ऑरेंज बिस्किट। कौन से? ऑरेंज। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या कर रही थी, किसे बात कर रही थी, क्या बता रही थी उसे, बोल। वॉचमैन तेरा बाप लगता है क्या, जिसके सामने अपना दुखड़ा रो रो के बता रही थी तू? मैं कुछ भी नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही थी, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था, उससे बातें कर रही थी, क्या बता रही थी उसे, बोल। शिकायत करेगी लोगों से? हाँ बोल, शिकायत करेगी। तुझे तो अब सबक सिखाती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी आज के बाद किसी से बात करने लायक नहीं। मैं सिखाती हूँ तुझे सबक। आइंदा किसी से बाहर बात करने की कोशिश मत करना, समझी? पानी पी लो, गला सूख रहा है ना, देखो होंठ सब सूख गया है, थोड़ा सा बस लेट जाओ। जो बुखार में ना बैठते नहीं, लो चलो जा, हाँ थोड़ा आराम करो। आराम, बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कितना मना किया था तुमको धूप में मत जाओ, देखो बुखार उतर नहीं रहा। तुम हमारी बात नहीं सुनती हो, अब नहीं सुनोगे ना तो फिर माई कहीं चली जाएगी, खोजती रहना फिर। आओ इधर, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, पहले कभी पहनी है ऐसी ड्रेस? दिया तुम्हें कभी किसी ने? हाँ इधर आओ। अभी बाहर पार्टी में सबके सामने स्माइल करना है ना, कैसे? अरे ऐसे खुश दिखना है, हम्म? और अगर कोई तुमसे ये पूछे ना कि ये चोट कैसे लगी, तो बोलना कि मैं गिर गई थी, हम्म? क्या बोलना है? खेलते खेलते गिर गई थी। वेरी गुड, अब जैसा बताया ना वैसा ही करना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जामुन केविन, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई इस बच्चे को देख के कह सकता है कि ये लोग इसे गांव से लेकर आए? जो कुछ भी इन लोगों ने इस बच्चे के लिए किया है वो काबिले तारीफ है, और ऐसा करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। आई थिंक दे आर द डिजर्विंग पेरेंट्स। इन लोगों की वजह से इसकी लाइफ सुधर गई है। देखो ना, जामुन को देख के लग रहा है कि उनके बच्चे नहीं है।
काम ढंग से नहीं कर सकती तुम। ये कितने का था पता है तुझे? पैसे तेरा बाप भरेगा बोल। पागल हो गए हो क्या? रात के 12 बज गए, सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, प्लीज रिलैक्स। नॉवेल, मैं इससे परेशान हो चुकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं इसे। मैं सिचुएशन हैंडल करूंगा, गो अहेड। चलो मेरे साथ। खोलो खोलो। ये कैसी जिंदगी हो गई थी जामुन की? घड़ी की सुई की तरह 24 घंटे 12 महीने चलती जा रही थी, एक धुरी के चक्कर काट रही थी। छोटी से छोटी गलती की भी उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी सुन पड़ गई थी, और इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक साल बीत चुका था जामुन को अपने नन्हे शरीर और दिमाग पर रोज एक नया जख्म लेते हुए। रात रोते हुए कटती थी और दिन काम करते हुए, लेकिन फिर भी जामुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बच्चों, किसी को कुछ भी चाहिए हो जामुन से मांग लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ख्याल रखना सबका। एक बात पूछे क्या? फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। अगर फ्लावर को कोई तोड़े और उसे मदद मांगे तो कैसे मांगेगा? फ्लावर कभी बोलता है क्या? अगर बोलने लगा तो कैसे लिख कर बोल कर मांगेगा? मैं लिख के देती हूँ। चलो हम एक पन्ना ले ले। अरे एक नहीं, चार पांच ले लो। कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा माँ? तुम तो सब ऊपर से देख रहे होगे ना, तुम तो किसी को भेजो, उसको भेजो जो मेरी उड़ाने वाली पर्ची उठा ले और मेरी मदद करे। माँ तुम सुन रही हो ना? एक छोटी सी बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था।
उसे मारा डराया धमकाया जा रहा था, चाहे कोई बात हो या ना हो। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब दुख और दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो उससे लड़ते हैं। जामुन भी लड़ रही थी पूरी उम्मीद के साथ कि कभी तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी, और लगातार नजर बचाकर वो मदद मांग रही थी। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। रमेश दादा, ये पर्ची तो देखिए, कल ऐसी वाली पर्ची मैंने कचरे में फेंक दी थी, आज फिर मिल गई। अरे हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, कई दिनों से इधर उधर पड़ी रहती। देखो देखो, इतनी इतनी है। मेरे को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ कोई गलत हो रहा है, शायद कोई मुसीबत में है, पर कौन कहाँ। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए दादा। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं बताओ। सर, एवरशाइन नगर का रमेश जो वहाँ का स्वीपर है, उसका कहना है कि उसे 15 दिन से ऐसी चिट मिल रही है। सिर्फ उसी को ही नहीं, बाकी एरिया में बाकी लोगों को भी मिल रही है। पेंसिल से रूल पेपर पे लिखा गया है। पेपर देखकर लगता है कि शायद किसी बच्चे की नोटबुक का है। राइटिंग काफी एमेच्योरिश है, देखकर लगता है शायद किसी बच्चे की है जिसे लिखना नहीं आता। पर कोई बच्चा इस तरह से हेल्प क्यों मांगेगा। वानी, तुम एक काम करना, उस एरिया के जितने भी स्कूल्स है उसकी लिस्ट बनाओ। सर शुरू कर देना, उस एरिया के स्वीपर, सब्जी वाला, छोटे मोटे दुकानदार, इन सबको अलर्ट कर दो। उन्हें कहना कि एवरशाइन नगर से अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। कोई तो मुसीबत में है जो हमसे मदद मांग रहा है। आपने ऐसी कोई चिट्ठी आपके स्कूल के प्रमाइसेस में देखी या किसी बच्चे को लिखते हुए फेंकते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अगर ऐसी कोई भी चिट्ठी आपको कहीं भी दिखे या किसी बच्चे के हाथ में दिखे तो पुलिस स्टेशन में आकर जरूर बताइएगा। आपने आपके प्रीमाइसेस में ऐसी कोई चिट्ठी देखी, किसी बच्चे ने लिखी हो, लिखकर फेंकी हो, कहीं देखा है आपने? ऐसी कोई भी चिट्ठी बेटा आपने कहीं देखी है? नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कौन है, कहाँ है, पूछताछ में भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है। पर हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, कोई तो है जो हमसे मदद मांग रहा है। मैं इसको मार मार के थक गई हूँ, ये मार खा खा के नहीं थकती। क्या इलाज करूँ मैं इसका? या तो इसे मेरी बातें समझ में नहीं आती, या जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए करती हो ना ये सब। ये जानबूझ के नहीं है, जानबूझ के नहीं किया। हाँ, तुम्हें पता है कितनी महंगी है ये ड्रेस, जानती हो तुम? मेरी पार्टी को सत्यानाश कर दिया इसने। तुम्हें सीधी तरह से बातें समझ में नहीं आती है ना, मार का भी इस पे कोई असर नहीं है। मेरे पास रास्ता, आई पनिश यू नाउ, कम। ड्रेस चलाना तुमने, चलाओ मार। सर, काफी सारे स्कूल्स में पूछताछ की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। आसपास के एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ की तो पता चला वहां भी पिछले एक महीने में चिट्स मिली है।
हैंडराइटिंग तो सेम है, पिछले महीने में इस हैंडराइटिंग में खास कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो बच्चा स्लो लर्नर है या अनपढ़ है, लेकिन हर हाल में हमें उसे ढूंढना है और हर हाल में हमें उसे वहां से बचाना है। जामुन आइस लेकर आ जल्दी। सुन इधर आ। टॉय चाहिए तुम्हें? नया टॉय सफाया टॉय स्टोर से चाहिए? हाँ मेरे कमरे में। चलो तुम इतनी जल्दी? डांस क्लास नहीं थी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जल्दी देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? ऑफ कोर्स नॉट, नथिंग लाइक दैट। ये तो बहुत अच्छी सरप्राइज है। हमारे डांस इंस्ट्रक्टर का कुछ काम निकल आया, क्लास कैंसिल हो गई। व्हाट आर यू सेइंग यार? सीधा नेक्स्ट संडे। पर ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो क्या कहा था तुमने, नेक्स्ट संडे क्लास है? यस। ओके सो नेक्स्ट संडे घर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके ग्रेट। हाँ नोवेल की आंखों में शैतान दिखाई दे रहा था उस बच्ची के लिए जिसे वो बेटी बनाकर अपने घर लाया था। कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है? जामुन ने पहले ही इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला था और अब नोवेल के नापाक इरादे उस पर घात लगाए हुए थे। ये लोग इंसान नहीं जानवर थे जो एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे और इन्हें किसी का डर नहीं था। दूसरी तरफ इस केस में पुलिस पूरी ताकत लगाकर अपनी तहकीकात कर रही थी और ये कोई आसान केस नहीं था क्योंकि पुलिस के पास उस चिट के अलावा और कोई सुराग नहीं था। पुलिस दिन रात उस मदद मांगने वाले और उस पर अत्याचार करने वाले को तलाश रही थी। ये बताओ इस सोसाइटी में काफी सारे बच्चे होंगे ना? जी मैडम जी, काफी सारे बच्चे हैं। अभी सब शाम को नीचे उतर के आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। मैडम ये देखिए वहाँ कुछ और चिट्स मिली है। हाँ सर, हमें जो ये चिट मिली है उसके पीछे किसी ने कुछ रखकर लिखा है। अच्छा देखिए ये शायद और उभर कर आ जाए। सर जिस भी बच्चे ने ये एप्लीकेशन लिखी है उसकी इस पर इम्प्रिंट्स आ गई है। देखिए टू द प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल ग्रेड 5C। स्कूल का नाम तो कटा है पर इससे काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। हाँ सर, इस एरिया में सिर्फ दो ही इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, पर यह बात तय है कि जिस भी बच्चे ने ये लिखा है, जिसकी भी ये नोट है, वो क्लास 5C में है। मैम हमें कैसे बच्चे की तलाश में है जो जो मदद चाहता है? एक बच्चा है जो तकलीफ में है और मदद मांग रहा है। ये देखिए हमें ऐसी चिट्ठी मिल रही है। प्लीज सेव मी। मैं आपको 5C क्लास के टीचर से मिला देती हूँ, शायद वो कोई मदद करे। क्लास 5C में देखिए किसकी लिखी हुई है ये। बैठिए। थैंक यू। मैम ये चाची के नोटबुक का पेज है। चाची प्लीज कम यार बेटा, प्लीज कम। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है बेटा, तू मेरे पास क्यों नहीं है? क्या बात है? नो मैम, ये पेपर मेरा है, मैंने जामुन के लिए लिखा तो था पर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। जामुन? जामुन कौन? मेरे डे केयर में है जामुन। डे केयर?
मेरी वाइफ एक डे केयर सेंटर चलाती है, जामुन भी हमारे साथ यहाँ रहती है। उसके पिता बहुत गरीब है सर, तो इसलिए करीबन एक साल पहले वो यहाँ हमारे साथ रहने आई थी। अगर मैं सच बताऊँ ना सर, तो ये चिट्स देख के मैं एक्चुअली काफी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जामुन को हमने हमेशा एक बेटी की तरह ट्रीट किया, शी इज लाइक अ डॉटर टू मी। और अगर उसको मदद चाहिए थी तो वो डायरेक्टली हमारे पास आती, चिट्स क्यों लिखती है? आवाज मत करो, चुप, बिल्कुल आवाज नहीं। ये जो लोग बाहर आए हैं ना, इनके सामने अपनी जबान बंद रखना, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हाँ सीधी बैठो, ये लोग तो दो चार मिनट में चले जाएंगे, उसके बाद तो तुम्हें आंटी के साथ रहना है ना? और तुम्हें पता है कुछ गलत करो तो आंटी कैसे पनिश करती है, पता है ना? बात शायद इतनी सीरियस ना हो, आई कैन अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी बात माँ बाप को नहीं बोल पाते। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं जामुन से अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, आई थिंक वो कमरे के अंदर है। सर, बेटा तुम्हारे नाम क्या है? देखो ये तुमने लिखी है, हुँ? बताओ बेटा, डरो मत, तुमने नहीं लिखी, सच बताओ बेटा, ये तुमने साची दीदी से क्यों लिखवाई थी? बोलो बेटा, डरो मत, हाँ बोलो, क्यों लिखी थी? शायद वो डर रही है, इसलिए कुछ बता नहीं पा रही हूँ। तुमने हमें नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा नाम जामुन है। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान कर रहा है, कोई डरा रहा है, मार रहा है, तो तुम मुझे बताओ, हम हमेशा के लिए उसे दूर कर देंगे। डरो नहीं बेटा, बता दो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो हमें बताओ। अंकल आंटी, अंकल आंटी तुम्हें मारते हैं? हाँ तुम्हें परेशान करते हैं? देखो, जब भी तुम्हारा कोई बात करने को मन करे तो ये लो मेरा कार्ड, ले लो। इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राइट? कुछ बताया तो नहीं उसने? सॉरी सर, मैं आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री ली है, और सर मैंने सांची से भी बात की थी। एक्चुअली ये उसको पूछ रही थी कि एनिमल्स को सेव करना हो तो, फ्लावर्स को सेव करना हो तो। सर आई थिंक शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और इसीलिए शायद इसने ये चिट्स भी बनाई होगी, अदरवाइज हम दोनों को तो कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि ये अपने लिए ऐसा क्यों करेगी। अपने बच्चे की तरह रखा है सर इसे। जामुन बेटा, अंकल को बताओ तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलो, तुम मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ ना? शायद आप ठीक कह रही हैं। वो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए मुझे। नोवेल, पीछा छुड़ाओ मेरा इससे, कहीं भी फेंक के आओ। क्या लिखा था उसने? प्लीज सेव मी। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। जामुन का है, वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं बेटा, वो अपने गांव चली गई है वापस, अभी अपने पापा के साथ रहेगी। तुम होमवर्क करके खाना खा लेना।
क्या नॉवेल तुमने उसे कमरे में क्यों बंद कर दिया? कम से कम जितने दिन वो यहाँ पर है मेरा हाथ तो बटाती। अब देखो घर के सारे काम मैं खुद कर रही हूँ, सब्जी तक खुद लेने जा रही हूँ। मैं अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तुम इसका और बच्चों का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है। आंटी ने झूठ क्यों बोला था कि तुम गाँव गई हो? बोलो ना। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम इतने डरी हुई क्यों? बोलो ना जामुन, अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? जामुन वाले केस में हमने जो सोचा था वो कारगर हो गए। गुड। आइए। हेलो सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर जैसा आपने कहा था इसमें है रिकॉर्डिंग। तुम इतने डरे हुए क्यों? बोलो ना जामुन, अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, तुम मत बात करो, तुम एक गेम खेलोगी? अरे पापा तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं एक नाम लूंगी, उसमें बोला गुड और बैड, ठीक है? गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, ठीक है? जामुन तुम एक बात बताओ, मैं गुड हूँ या बैड? गुड हूँ ना, राहुल भी गुड है ना? अच्छा सिक्योर अंकल आंटी भी गुड है ना? प्लीज तुम मत रो, प्लीज। हमारे डांस का पेड़ से और तुम्हें जाओ यहाँ से, जाओ डांस, डांस, डांस। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया है, आप लोगों ने बहुत मदद की है। अब देखना जामुन के सगे माँ बाप से भी सगे सगे वालों का हम क्या हाल करते हैं, उन्हें संभालने का मौका भी नहीं देंगे। चाक। चाक। बेटा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उन लोगों के पास अब कोई नहीं भेजेगा, तुम अपने घर जाओगी। देखो देखो कौन आ रहा है, आइए।
एवरीथिंग। क्या हालत हो गया इसका? साहब, हम बहुत कोशिश किया अपना बिटिया का हाल चाल लेने के लिए, कितना बार फोन किया, नंबर वह गलत था। वो अशोकवा भी उन लोगों के संग मिला हुआ था, गांव छोड़ के भाग गया। कैसे ढूंढते अपनी मुनिया को इतने बड़े शहर में? तो भगवान का लाख लाख शुक्र जो हमको हमारी जमुनिया से मिला दी। और साहब, हम आप लोग का भी दिल से धन्यवाद करते, भगवान आप लोग को खूब तरक्की दे। हम हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हमारे कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि भगवान के साथ तो ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते। नोवेल और लीना जो खुद एक बच्चे के माँ बाप थे, कैसे वो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा वहशियाना बर्ताव कर पाए? क्यों ऐसा करने वालों को किसी से डर नहीं लगता? शायद इसलिए भी क्योंकि हम कभी किसी बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देखकर अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम ये मैसेज समाज को दे पाएंगे। याद रखें, हर बच्चे को अपना बचपन जीने का हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.